साथियों, सबसे पहले यहाँ मौजूद सदाकत आश्रम में आए हुए बिहार के अलग अलग कोनों से आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी का, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा जी का, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी का और तमाम विधायक मैं इनको देख रहा हूँ। पूर्व विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हालांकि मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ तो मैं कांग्रेस के नेताओं का पूरा लिस्ट मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ सम्मानित मंच को कि यहाँ बैठा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के गुंजन पटेल जी हो, चाहे हमारे एनएसयूआई के नेता बहन हो, मैं इन सबको जानता हूँ, क्योंकि हमारी ये एकता मंच पर नहीं आंदोलन में बनी है। जनगण मन यात्रा के दौरान आप तमाम सम्मानित मंच को और हमारे जेएनयू के दो दो बड़े भाई यहाँ पे हैं, सतीश साहब भी हैं जो संचालन कर रहे हैं, चंदन भाई हैं जो अपना वक्त प्रस्तुत करके जा चुके हैं, और ठीक कहा सतीश भाई ने कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने उनको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता है। तो हमारे सम्मानित एमपी महोदय, आप तमाम बड़े भाइयों का और अपनी बहनों का, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और आपने मुझे इस परिवार में स्वीकार किया है। ये बड़ा मुश्किल होता है, एक परिवार से छोड़ करके जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो लोग कहते हैं एडजस्ट करने में समय लगता है। ये समय हमको बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग रहा है। जितनी सौहृदता से आपने हमको स्वीकार किया है, गले लगाया है, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद। दोस्तों, आप सब जानते हैं यहाँ हमारे दो साथी गुजरात से आए हुए हैं। दोनों साथी ने बताया कि आज उनकी मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ गुजरात को लेकर। हम लोग रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा, जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या के लिए भूमि मानी जाती है, और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है, ज्ञान तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। उस इंसान ने बाहर काट करके रास्ता बना दिया, ये बिहारी होने का मतलब होता है। बिहार को भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की
ज्ञान तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमें उनको महात्मा बना दिया। इतिहास की भूमि है, इतिहास कोई दौर उठा करके देख लीजिए, इतिहास का कोई दौर उठा करके देख लीजिए, बिहार के बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं होता है। खुशी की बात है, थोड़ी अफसोस की भी एक बात है। कल श्री बाबू की जयंती थी, श्री बाबू ने जो है रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री होने का। श्री बाबू जो काम करके चले गए उनका रिकॉर्ड अभी तक बीट नहीं हो पाया है। और हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि बिहार को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, बिहार को बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इस बार को आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आज दिन है अस्फाकुल्लाह खान जी। अस्फाक और बिस्मिल की दोस्ती के बारे में आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि उनकी दोनों की जब बातचीत होती है तो अस्फाक कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से, देखो दोस्त तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म है तो तुम तो जाओगे वहां और भगवान से कहोगे हमको दोबारा भारतीय बना करके भेज दीजिए, हमको ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे करेंगे। हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन अगर मैं जन्नत जाऊं अल्लाह से हमारी मुलाकात हो तो मैं उनको कहूंगा कि एक बार और इनको भारत भेज दीजिए। ये भारत है जहां एक खान एक ब्राह्मण के साथ मिलकर के कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में। ये तो एकता है, इस एकता को आज छिन्न भिन्न किया जाए और यही जो एकता छिन्न भिन्न होती है इसी का नतीजा है, विश्वास कीजिए हम पर, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं थे। एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, हम कहा भाई तुम्हारा गंदगी उठाते हैं, तुम्हारा ठेला चलाते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तुम्हारा घर साफ करते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं, गाली तो देते ही हो जब मोबाइल मिलता है गोली भी मार देते हो। मैं बिहार की जनता से यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उस इतिहास का पुनर्जागरण हमको करना पड़ेगा और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं गौरव है कि हमको पुनर्स्थापित करना होगा, यही हमारी आज की लड़ाई है। कई साथियों ने कहा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा ये, तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा, जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है, ये बात उनको समझना होगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है, यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी और आत्म सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम से आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए। एक साथी ने हमको कहा कैसे कीजिएगा, हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ, कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है
जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सके, है कोई हमारे इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है, हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हम कांग्रेस पार्टी में क्यों आए हैं? हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है, वोट बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले दो और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा, एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को खड़े लगा। हम इसलिए इस पार्टी में आए हैं, इस पार्टी में वो सहिष्णुता है, इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं, दो नेता बैठे हुए, जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। सचमुच अगर आप भारत को समझते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है, इसकी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यह विविधता में एकता वाला देश है, और उस विविधता को अपने आप में अगर कोई समेट करके चल सकता है, वो बगीचा वो बगिया कोई है, वो कांग्रेस पार्टी है, जहां हर रंग के फूल खिल सकते हैं, गुलदस्ते में हर रंग का फूल खिल सकता है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तड़प होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए कि वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल साफ समझ है, कोई इफ बट नहीं है, कोई तुतु में नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कोना कोना कौन कोना सतली पुतला बना करना चाहते हैं वो यही गुना गणित करेंगे। राष्ट्रपति दिनकर ने एक बात कही है, तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान है, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिगने जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। तो वो इंसान है जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा समीर पात्रा जी, 50,000 करोड़ का बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए, और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्तचरण दास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार के लिए मत रहे हैं, किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बाहर खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि भारत है, बेईमान लोग यहां पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी क्या तपस्या और ईमानदारी से चल रही है, इसे भरोसा रखिए। मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए इस बात पर भरोसा रखिए, और इस बात के लिए भरोसा रखिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है भाई साहब,
ऐसा ही सबका वोट बराबर हो गया है। लाइक कर रहे हैं भैया। सकी भाई का वोट एक, चंदन भाई का वोट एक, राकेश भाई का वोट एक, कन्हैया का वोट एक, ऐसा ही वोट हो गया है। प्रतिमा जी का वोट एक, पूनम जी का वोट एक, ऐसे बराबर हो गया है। सोच के देखिएगा, समझ करके देखिएगा, ये साधारण चीज नहीं है। और आज वोटों को लोगों ने गुना खरीद में फंसा दिया है। वोटों के गुना गणित से ऊपर उठ करके हमको बिहार के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस प्रश्न को आ रहे हैं, इसीलिए आज हम यहां जब सभा कर रहे हैं तो किसी के ऊपर हम अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता के अदालत में, जनता के सवालों को लेकर, सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, उनके दुख दर्द में उनकी न्याय और एकता और बड़ा की लड़ाई में जो शामिल होगा वह इसका नेतृत्व करेगा। ये बिहार की जनता का चुनाव है। जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं, नहीं नहीं नहीं, जो है दलित है इसको हो जाते हैं, जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? अब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो आपको 30 साल में, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, और मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? खाई इलाज कराने के लिए बाहर जाए, पढ़ने के लिए बाहर जाए, रोजगार के लिए बाहर जाए, और वोट देने के लिए आप, वोट देने के लिए आप हमारे घर में आइएगा और इनको झाड़ू मारकर भगाना। ये सवाल है, इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिन चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा की, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सनातन आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सनातन आश्रम में रहता था, मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सनातन आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूं, देखिए पूर्वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए हम क्या बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार को सिंधिया नहीं जम जाए, क्या दिक्कत? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं लगाया।
साथ बात करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पर गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्कान बदलना चाहिए, जब हम जाए तो लोग सम्मान के साथ कहे कहे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं, अरे आइए आइए आप तो जगदेव मांझी की धरती से आए हैं, अरे आइए आइए आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी, आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले, इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। तो पथ क्या, क्षमता क्या, जिस पथ में दिखे शून्य न हो, नागरिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारणाएं प्रतिकूल न हो, जो मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ। आज इस देश की आजादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उसकी आजादी को भी ये पार्टी बचाएगी। इसी संघर्ष के साथ कि मिलकर के हम लड़ेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और आखिरी बात, आखिरी चीज, किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं, हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।